करेंगे हम सेक्स डिटरमिनेशन के बारे में, दैट मींस जिसको हम हिंदी में करते हैं लिंग निर्धारण। ठीक है, तो लिंग निर्धारण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम अपना हेडिंग लेते हैं लिंग निर्धारण। होमोगैमेटिक हो जाएगा,
होमोगैमेट यानी कि ये हो जाएगा समान पुरुषत्व समान युग्मक वाला, तो ये विषम है का। अभी हम बताते हैं कि विषम युग्मकता जो होती है वो कहाँ पाई जाती है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नर विषम युग्मकता की। तो हम सभी जानते हैं कि जो नर होता है उसके पास विषम युग्मक होता है, लास्ट का जो जोड़ा होता है वो होता है एक्स वाई। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो गुणसूत्र होता है वो पाया कहाँ जाता है। तो ये हमारा एक छोटा सा केंद्रक है, सॉरी सेल है, सेल के अंदर पाया जाता है केंद्रक। इसलिए केंद्रक में ढेर सारे गुणसूत्र उपस्थित होते हैं। ठीक है, गुणसूत्र कहाँ उपस्थित होता है, केंद्रक में उपस्थित होता है। तो इस प्रकार से हमारे गुणसूत्र सब उपस्थित होते हैं। उदाहरण है वो है ग्रासोपर।
सबसे पहले जानते हैं कि जो ग्रासहॉपर होता है यानी कि जो कीड़ा होता है ग्रासहॉपर के पास गुणसूत्र होता है। ग्रासहॉपर में अगर हम मेल की बात कर लें और इधर फीमेल की बात कर लें, जो मेल होता है तो मेल के पास जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 23 और जो फीमेल होती है उसके पास गुणसूत्र की संख्या होती है 24। ठीक, मेल के पास 23, फीमेल के पास 24 होती है। अब ये होता क्यों है, मतलब ये जब से जीव बनता कहते हैं। एक वैज्ञानिक है जो कि मुर्गियों के राजा है, जिनका नाम हेनकिंग है। इन्होंने कुछ कीटों के ऊपर अपना प्रयोग करना शुरू किया उसके गुणसूत्र के बारे में, और उनको देखने को मिला कि जो फीमेल है उसमें यक्ष यक्ष मिला, और लास्ट में जाकर के लास्ट तक ही उनको यक्ष यक्ष मिलता रहा, लेकिन जो मेल था उसमें यक्ष यक्ष मिला और लास्ट में जाकर के उनको केवल और केवल यक्ष मिला। अब उनको ये समझ में नहीं आया कि ये यक्ष है, तो इसलिए उनको उन्होंने कह दिया ये अननोन बॉडी है, यानी कि ये अज्ञात है, इसके बारे में पता नहीं है। फिर बाद में पता चला कि ये यक्ष क्रोमोसोम ही है जो कि एक किडनी में पाया जाता है और वहां पर एक गुणसूत्र की कमी हो जाती है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर हम गैमेट बना दें तो शुरू की जो 10 जोड़ी होती है, ठीक है, शुरू की जो 11 जोड़ी फीमेल में होती है और मेल में होती है, दोनों सेम होती है, ठीक है, दोनों सेम होती है, मेल में भी और इधर फीमेल में भी। मेल फीमेल में जो शुरू की 11 जोड़ी होती है, 11 जोड़ी जो होती है वो एक जैसी होती है, लेकिन लास्ट का जो आखिरी का बस्ता है, ठीक है, जो आखिरी का बस्ता है 12वां जोड़ी, जिसके बाद में 24 गुणसूत्र मिलते हैं, आखिर का जो 12वां जोड़ी बनता है वो मेल में केवल और केवल यक्ष होता है और एक तो खाली चला जाता है, ठीक, और फीमेल में पूरा का पूरा यक्ष मिलता है, यानी इसका जो 12वां जोड़ी गुणसूत्र है, 12वां जोड़ी जो गुणसूत्र है वो पूरा है, ठीक है, और यहाँ पर इसका जो 12वां जोड़ी गुणसूत्र है वो अधूरा है। तो अगर अब इसका युग्मक हम बनाना चाहें, इसका गैमेट बनाना चाहें, तो किस प्रकार से गैमेट बनेगा, तो गैमेट बनाने तो आपको सभी को आता होगा, यहाँ पर ये यक्ष हो जाएगा और यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, ठीक है, बात आती है क्या होगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर हो जाएगा जीरो, ठीक, यहाँ पर हो जाएगा जीरो। अब यहाँ पर बात करते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं यक्ष और यहाँ पर बात करते हैं यक्ष। अब देख लो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हेटरोगैमेटी है, ठीक है, ये क्या है, हेटरोगैमेटी है, हेटरोगैमेटी, ये हेटरोगैमेट है और यहाँ पर ये होमोगैमेट हो गया। हम तो पढ़ रहे हैं हेटरोगैमेटी लेकिन हमको होमोगैमेटी मिल रहा है, ठीक, दिक्कत ये है। लेकिन अब ध्यान दो, ध्यान देने की बात ये है कि जो हम हेटरोगैमेटी पढ़ रहे हैं वो पढ़ किसमें रहे हैं, ठीक है, हेटरोगैमेटी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मेल में, इसीलिए हमको फीमेल में हेटरोगैमेट नहीं मिलता, ठीक है, मेल में पढ़ रहे हैं हेटरोगैमेटी तो हमको मेल में हेटरोगैमेट मिला, मेल में विषम युग्मक मिला और फीमेल में नहीं मिला, ठीक है, तो इसलिए हमको फीमेल में क्या मिला, समजात गुणसूत्र मिला, बराबर बराबर मिला, तो यहाँ पर इसको छोड़ते हैं। अब इसका अगर हम संकरण कराते हैं यानी कि देखते हैं संतान कैसे बनेंगे, यहाँ पर तो हमारा विषम है ना, ये भी आपको एक्स जीरो टाइप मिला ना, अब इसका संकरण करा देते हैं थोड़ा सा, लिख देते हैं फीमेल और यहां लिख देते हैं मेल, ये हमारा फीमेल का यक्ष यक्ष होगा और मेल का यक्ष जीरो है, यक्ष जीरो लिख देते हैं। अब इसका संकरण अगर हम कराएंगे तो क्या हो जाएगा, यहां पर हमको यक्ष यक्ष मिल जाएगा, यक्ष यक्ष मिल जाएगा, यहां पर यक्ष जीरो यक्ष जीरो, यानी कि आने वाली जो संतान होंगे वो नर और मादा दोनों होगी ना, हमने संकरण से पता किया कि जो दो संतान होगी वो मादा होगी और दो संतान नर होगा। इस प्रकार से यहाँ पर जो संतान बना वो बन गया फीमेल और यहाँ पर जो बना वो बन गया मेल, यानी यहाँ पर मादा बन गया और यहाँ पर नर बन गया, ठीक, इधर समझ में आया।
आगे अब ये एक्सियोटाइप का जो है मेल हेटरोगैमेटिक जो कि इंसेक्ट में उदाहरण है इसका अंडा। टिटा के अलावा और किसी में ये जो हेटरोगैमेटी है वो नहीं पाया जाता है। अब नेक्स्ट अगला हम बात करते हैं एक्स एक्स और एक्स वाई का हेटरोगैमेटी जो कि ह्यूमन में पाया जाता है और एक पाया जाता है ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जिसका दूसरा नाम है फल मक्खी। ठीक है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के ऊपर जो मार्गन थे टीएच मार्गन जिसको थॉमस हंट मार्गन करते हैं उन्होंने अपने वंशा गति का प्रयोगात्मक सत्यापन करने के लिए उसका प्रयोग किया। ठीक है, कितने लक्षण को दिया था पहले बता दो, मार्गन ने ड्रोसोफिला के कितने लक्षण को लिया था? पांच लक्षण के धुआं निकलते थे। कौन कौन सा तीन लक्षण? शरीर का रंग और पंख की आगे। ठीक है, तो हमारे को पहला हो गया एक्स जीरो टाइप का, एक्स जीरो टाइप हो गया। अब हम दूसरा बात कर लेते हैं इसमें एक्स 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 वाई टाइप हेटेरो गैमेटी। ठीक है, एक्स 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 वाई टाइप का विषम युग्म होता है, ये लिखते हैं विषम युग्मकता। तो एक उदाहरण हम लेते हैं इसको पढ़ने के लिए अप्पा ह्यूमन का। ठीक है, अप्पा ह्यूमन का इसकी बात समझना सबसे आसान होता है। एक तो है हमारा ये राजा, और एक है ये रानी, ठीक। अब देखो इसमें सेकेंडरी कैरेक्टर क्या है, द्वितीय लक्षण क्या है नर और मादा होने का। ये तो राजा है यानी कि ये होगा नर और ये रानी है यानी कि होगी फीमेल। ठीक है, मादा। अब इसमें द्वितीय लक्षण क्या है जिसे हम बताते हैं कि ये जो है नर है या मादा है देखकर। तो जो नर है यानी कि जो राजा का द्वितीय लक्षण है वो है इसके पास टेस्टिस होगा, पेनिस होगा, ये इसका द्वितीय लक्षण है। और जो मादा है इसका द्वितीय लक्षण क्या है? इसके पास ब्रेस्ट होगा, ठीक, यूटेरस होगा, ठीक, ये इसका सेकेंडरी कैरेक्टर है। ठीक है, यहाँ पर पता चलता है ये नर है और यहाँ पर पता चलता है ये मादा है। अगर हम मनुष्य में बात कर लेते हैं जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 23 जोड़ी। कितना होती है? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी यानी कि 46 गुणसूत्र कोड होते हैं। अब यहाँ पर अगर हम नर और मादा दोनों की बात कर लेते हैं, इसमें जो 22 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, 22 जोड़ी गुणसूत्र नर के, 22 जोड़ी गुणसूत्र मादा के क्या होते हैं? दोनों के एक समान होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? समान होते हैं यानी कि ये दोनों ऑटोगैमी होते हैं। क्या होते हैं? ऑटोगैमी होते हैं। अब ये संजात गुणसूत्र जो होते हैं वो लिंग निर्धारक को छोड़ करके अन्य सभी लक्षणों का निर्धारण करते हैं। आखिरी का जो 23वां जोड़ी होता है, 23वां जोड़ी गुणसूत्र जो होता है वो नर में अलग होता है और मादा में भी अलग होता है। इसको कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम या फिर हेटरोगैमी। ठीक है, 23वां जोड़ी जो नर में होगा, पहले बात कर लेते हैं 22 जोड़ी तक, 22 जोड़ी तक जो गुणसूत्र होगा वो यक्ष यक्ष मादा में भी होगा और यक्ष यक्ष नर में भी होगा। ठीक है, दोनों में यक्ष और यक्ष होंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं 23वां जोड़ी की, तो 23वां जोड़ी जो गुणसूत्र होता है नर और मादा में वो अलग अलग होता है। नर की बात करें तो नर में यक्ष वाई, ठीक, मादा में बात करें तो मादा में यक्ष यक्ष। इस प्रकार से ये जो है ये क्या है? ये है विषम युग्म। ठीक है, क्या है? विषम युग्म। ये हो जाएगी हेटरोक्रोमोसोम। ठीक है, और यहां पर समान है तो ये तो हमारे ऑटोगैमी है। अब ये जो हेटरोक्रोमोसोम है ये क्या करेगा?
नर में अलग युवक बनाएगा, मादा में अलग युवक बनाएगा। चलिए अब इधर देखते हैं हम अपना एक्स 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 वाई टाइप का हेटरोगैमिटी। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, हम जो भी हेटरोगैमिटी पढ़ रहे हैं आज, वो पढ़ेंगे मेल में, कल पढ़ेंगे फीमेल में। अगर हम बात करते हैं इधर इसकी बात करते हैं, तो इसका जो सबसे बड़ा उदाहरण है वो है मनुष्य। ठीक, मनुष्य। और जो दूसरा उदाहरण है वो है फल मित्र, फल मक्खी, मनुष्य और फल मक्खी, जिसको कहते हैं ह्यूमन और ड्रोसोफिला। ह्यूमन और ड्रोसोफिला, ड्रोसोफिला के अलावा और किसी भी कीट में या फिर किसी भी जीव में यक्स यक्स और यक्स टाइप का गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। यहाँ पर हमने बात कर लिया ह्यूमन में जो गुणसूत्र होता है वो होता है 23 जोड़ी यानी कि 46। ठीक है, अब चलते हैं इसका हम बढ़ा लेते हैं थोड़ा सा उदाहरण में लेकर के। जो हमारा मेल होता है उसके पास क्या होता है, और फीमेल जो होता है उसके पास क्या होता है, और एक ऐसे जो मेल होता है उसके पास जो 23वां जोड़ी गुणसूत्र होता है, हमने यहाँ पर थोड़ा समझा दिया है। लास्ट का हम बात करते हैं 23rd पेयर क्रोमोसोम, गुणसूत्र होता है वो नर में होता है यक्ष वाई, और जो मादा होती है उसमें होता है यक्ष यक्ष। ठीक, अब अगर इसका हम गैमेट बनाना चाहें, युग्मक बनाना चाहें, नर में जो गैमेट बनेगा वो बनेगा यक्ष और वाई, मादा में जो गैमेट बनेगा वो बनेगा यक्ष और ये बनेगा एक्स। ठीक है, तब यहाँ पर देखने से एक बात मन में आती है कि जो नर है इसमें अलग अलग प्रकार के युग्मक बने, मादा जो है उसमें एक जैसा युग्मक बना है। इसीलिए हम कहते हैं कि जो मेल होता है वो हेटरोगैमिटी होता है, विषम युग्मकी होता है, और जो फीमेल होती है वो विषम युग्मकी नहीं होती है, सम युग्मकी होती है। यानी कि यहाँ पर जो युग्मक बना है वो एक समान बना है, क्या बना है, एक समान। ये क्या होगा, ये हो जाएगा होमोगैमिटी, होमोगैमिटी। और यहाँ पर जो बनेगा वो क्या हो जाएगा, हेटरोगैमिटी। ये हमारा हो जाएगा हेटरोगैमिटी, और ये हो जाएगा हमारा होमोगैमिटी। इतना समझ में आ गया कि हम जो बनाना चाहते थे एक्स वाई टाइप का क्रोमोसोम और एक्स एक्स टाइप का क्रोमोसोम देखना चाहते थे, जिसे गैमेट बनता है वो हमने देख लिया। अब चलिए इसका अगर संकरण कराते हैं तो ये पता ही है संकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, अब देखो अगर हम संकरण कराते हैं तो कुछ इस प्रकार से संकरण कराएंगे, जैसा कि जस्ट अभी हम पहले स्टेप में यानी कि जस्ट जीरो वाले केस में करके दिखाएं। यहां पर हो जाएगा ये फीमेल, यहां पर हो जाएगा मेल, फीमेल में यक्स 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 वाई मेल। ठीक, अब अगर इसका हम युग्मक बनाना चाहे, गैमेट फॉर्मेशन करना चाहे, तो यहां पर ये यक्स 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 एक्स एक्स वाई यक्स वाई, दिस इज द फीमेल मेल। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया, ये हमने देखा किसने, ह्यूमन केस में। ठीक, ह्यूमन में हेटरोगैमिटी देख लिया। अब एक उदाहरण हमने और लिया था फल मक्खी, जिसको हम ड्रोसोफिला करते हैं, एकदम सच ऐसा ही होगा, बस थोड़ा सा क्रोमोसोम का जो नंबर है वो चेंज होगा, तो उसको भी देख लेते हैं। ब्रासोफिला में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है यानी कि गुणसूत्र की जो संख्या है, गुणसूत्र की संख्या भाई, गुणसूत्र की संख्या क्रोमोसोम यानी कि क्रोमोसोम जो होता है वो ब्रासोफिला में कितना होता है, ब्रासोफिला में जो गुणसूत्र की संख्या होती है वो होती है 8। ठीक, ब्रासोफिला में गुणसूत्र की संख्या 8 होती है। तो यहां पर जो एक बनता है 4 जोड़ी गुणसूत्र इसमें पाए जाएंगे, जो 3 जोड़ी होगा वो एक जैसा होगा, 3 जोड़ी जो होगा वो क्या होगा, एक जैसा होगा, यानी कि यक्स 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 होगा, कितना, 3 जोड़ी
जोड़ी पुरुषों तो यक्ष 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 नर और मादा दोनों होगा। आखिर का बचा हुआ जो एक जोड़ी है वो डिफरेंट हो जाएगा, एज सच ह्यूमन मेल और ह्यूमन फीमेल के जैसा हो जाएगा। आखिरी का जो एक जोड़ी होगा वो मेल में यक्ष वाई, फीमेल में बात कर लें एक्स एक्स, ठीक है, यक्ष वाई यक्ष एक्स, कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा, ठीक, बस नंबर ऑफ क्रोमोसोम में डिफरेंट है, गैमेट में डिफरेंट नहीं है। तो इसका अगर हम गैमेट बनाना चाहें तो यक्ष बन गया, इसका वाई बन गया, ये बन गया हमारी हेटरोजाइगोट, ये यक्ष यक्ष बन गया, ये बन गया हमारा होमोजाइगोट, ठीक। अगर इसका हम नकल करना चाहें तो मेल करा लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं फीमेल ड्रोसोफिला, यक्ष यक्ष मेल ड्रोसोफिला, आज से क्लास कल नोट्स पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर।